सब्सक्राइब करें बी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को आम बजट में किसानों के लिए खास घोषणाएं की। यह मोदी सरकार की मौजूदा कार्यकाल की आखिरी पूर्व बजट है। जानिए किसानों के लिए क्या प्रमुख घोषणाएं रही। ये है किसानों के लिए अहम बातें। वित्त मंत्री ने कहा, हमारी कोशिश है कि किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी हो। कृषि उत्पादन के लिए किसानों को उचित दाम मिले, रिकॉर्ड खदान हुआ है। 2016-2017 में 275 मीट्रिक टन खदात और 300 मीट्रिक टन फलों और सब्जियों पैदा हुई। किसानों को अपने उत्पाद की लागत से 1.5 गुना कीमत मिले। सभी खरीफ की फसलों का मूल्य लागत से 1.5 गुना करके ही घोषणा करते हैं ताकि उनकी आय दोगुनी हो सके। देखिए आम बजट में किस सेक्टर को क्या मिला। संस्था तय करेगी किसानों की फसल के दाम। नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकारों के साथ मिलकर किसानों को फसल के उचित दाम दिलाएगा। सभी मंत्रालयों के अधिकारियों को शामिल कर उर्वरकों के इस्तेमाल और मौसम के अनुमान और निर्यात को लेकर अहम फैसले किए जाएंगे। भीम ऐप के जरिए किसानों को सीधे फसल बिक्री की जानकारी दी जाएगी। दूरस्थ किसानों के घरों को सड़कों से जोड़कर फसल को बिक्री केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा और भी किए गए हैं इंतजाम। कृषि क्षेत्र के लिए 2018-2019 में संस्थागत ऋण बढ़ाकर 11 लाख रुपए किया जाएगा। ग्राउंड वाटर इरिगेशन में हर खेत को पानी देने का लक्ष्य है। इसके लिए 1600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।